नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोलंकी आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं गंगा रियल्टी के पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट तथास्तु 1 और तथास्तु 2 की साइट पे, जो कि सोना सेक्टर 5 में लोकेटेड है। दोस्तों, आज दिसंबर 2023 में लगभग 9 महीने के बाद हम एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट की साइट पर आए हुए हैं, तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड लेवल पर क्या कंस्ट्रक्शन का स्टेटस चल रहा है। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, कुछ पिलर खड़े हुए हैं और कुछ ग्राउंड लेवल पर कुछ स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। ये गंगा तथास्तु के कमर्शियल का पार्ट है। कंपनी जो है अपने कुछ कमर्शियल लेके आई थी, जो जिनकी हाइट सिर्फ ग्राउंड लेवल की थी, डबल हाइटेड थे और उनकी शेप जो है एक कैप्सूल के आकार की थी। तो उनमें से कुछ कैप्सूल्स जो है उनका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और कुछ का जो है अभी पिलर तक का ही काम कंप्लीट हुआ है, पिलर स्टैंड किए हैं और कुछ कैप्सूल जो है अभी वो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी जो आप स्पेस आप देख रहे हो ना, ये सारा स्पेस जो है ये यहाँ पर अभी कुछ और कैप्सूल जो है वो कमर्शियल वाले बनेंगे। दोस्तों, ये जो अब आप सामने की तरफ टावर देख रहे हो, ये टावर नंबर 8 है, जिसका जो फाउंडेशन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और अब ग्राउंड लेवल पर काम स्टार्ट होने वाला है। इसके जस्ट बैक साइड में ही टावर नंबर 7 और टावर नंबर 6 है, जिसका अभी फाउंडेशन पर जो है काम चल रहा है और ये तीनों टावर ही फेस 1 के टावर है। दोस्तों, अब जो ये सामने की तरफ आप टावर देख रहे हो, ये टावर नंबर 3 है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है। शटरिंग वगैरह जो है लगा दी गई है और बहुत जल्द जो है ग्राउंड लेवल का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस टावर के जस्ट बैक साइड में ही अगर हम देखेंगे तो टावर नंबर 4 और टावर नंबर 5 की प्लेसमेंट है। उन दोनों टावर्स में अभी ग्राउंड लेवल पर जो है वो फाउंडेशन का काम जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एज वी कैन हम क्लियरली देख ही सकते हैं कि बिल्डर जो है यहाँ पे माइवन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में लेटेस्ट है, जिससे कि अपना जो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ड्यूरेबल रहता है और बिल्डिंग जो है वो काफ़ी जल्दी बन करके भी तैयार हो जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें कि पूरे प्रोजेक्ट में जो है काम जो है हर टावर के अंदर चल ही रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ग्राउंड लेवल पर, कहीं पर आपके मान के जो डिगिंग का काम चल रहा है या कहीं पर फाउंडेशन का काम चल रहा है। तो काम आपको जो है इस प्रोजेक्ट में हर टावर में कुछ ना कुछ जो है काम चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बिल्डर का इंटेंशन प्रोजेक्ट को बनाना नहीं है और जो भी मटेरियल होता है जैसे कि सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, अपना लेबर हो गई और जो भी रिक्वायर्ड मशीनरी होती है वो डे 1 पर साइट पर जो है अवेलेबल है। तो काम में किसी भी तरह की आपको स्टॉपेज नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो अब आप डिगिंग देख रहे हो, ये फेज़ 2 टावर 2 के लिए की गई थी, जिसका डिगिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और फाउंडेशन वर्क जो है अब स्टार्ट होगा। दोस्तों, इसके बाद अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये जो आप टावर देख रहे हो, ये टावर नंबर 3 है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर जो है शटरिंग का काम जो है अभी चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर शटरिंग जो है वो लगाई जा रही है।
इस टावर के जस्ट बैक साइड में टावर नंबर 4 की प्लेसमेंट है, जिस पर अभी जो है ग्राउंड लेवल पर जो है फाउंडेशन का वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है। और इन दोनों टावर के बिसाइड में, जस्ट बिसाइड टावर नंबर 5 और टावर नंबर 6 की प्लेसमेंट है, जिस पर अभी जो है ग्राउंड लेवल पर फाउंडेशन का वर्क जो है चल रहा है। तो दोस्तों ये थी इस प्रोजेक्ट की अब तक की कंस्ट्रक्शन अपडेट। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।